करंटली अगर ओवरऑल ट्रेंड की बात करें मार्केट की, तो ओवरऑल ट्रेंड जो मार्केट का है वो बुलिश है लॉन्ग टर्म के अंदर, अभी मार्केट के बुलिश रहने की उम्मीद है। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में अभी हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर देखा है कि मार्केट जो है वो साइडवेज चल रही है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अभी इस टाइम पे साइडवेज ट्रैजेक्टरी के अंदर हैं शॉर्ट टर्म में, और उसके अंदर कुछ खास बुलिश प्रेशर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लास्ट वीक 12 सितंबर को हमारे को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव देखने को मिला था निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, बट फ्राइडे को अनफॉर्चुनेटली उसकी कोई स्ट्रॉन्ग फॉलो अप बाइंग देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से अभी पिछले दो चार दिनों के अंदर जो मार्केट है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही साइडवेज के अंदर चल रहे हैं। देखिए मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म करेक्शन आना तो अभी ड्यू है, लेकिन थोड़ा सा वो डिले हो गया है क्योंकि अभी बुल्स ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरीके से एक ब्रेकआउट दिया जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी में, बट वो अटेम्प्ट भी उनका फेल हो रहा है। जब बुल्स पूरा कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बायर पूरा एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो हो सकता है हमें करेक्शन देखने को मिले। ये करेक्शन आनी है क्योंकि अभी डेली क्लोजिंग बेसिस पे और वीकली क्लोजिंग बेसिस पे जो प्राइसेस हैं वो अपने एवरेज प्राइस से काफ़ी ऊपर चल रहे हैं। सो डेफिनेटली एक करेक्शन सूनर और लेटर आएगी, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो कब आएगी। तो इस टाइम पे अगर हम स्टॉक लेवल की बात करें, स्टॉक लेवल में भी बहुत ज़्यादा स्टॉक आपको अभी इस टाइम पे बुलिश मोमेंटम में नहीं दिखेंगे। बहुत कम स्टॉक हैं जो अभी बुलिश मोमेंटम के अंदर हैं, और वहाँ पे भी आपको साइडवेज मूवमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगी। एक दिन आपको अप देखने को मिल रहा है, एक दिन आपको डाउन देखने को मिल रहा है, और कुछ दिन आपको साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल रही है। दैट मीन्स कि जो स्टॉक के काउंटर है वहाँ पे भी जो बायर्स हैं वो कॉशियस हैं, अभी बड़ी पोजिशंस यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रही हैं। तो ओवरऑल अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करें, शॉर्ट टर्म में आपको ये बात ध्यान में रखने वाली बात है कि जो भी आप पोजीशंस ले रहे हैं, जो भी आप जिस तरीके से भी आप ट्रेड कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के करिए कि हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देखने को मिले शॉर्ट टर्म में। ये करेक्शन कब आएगी अभी एज ऑफ नाउ कहा नहीं जा सकता, बट ये आएगी ज़रूर, इतना पक्का है।